हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस से लिया गया है, 2011 में आया है। तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक लगाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे अगर बनाएंगे तो बहुत दिक्कत में फंसने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये ln के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ln का टर्म अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर ये लिमिट a से b है, तो हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ते हैं a प्लस b, और माइनस कर देते हैं x को। मतलब जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वहाँ ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में हम लोग फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी क्या आएगा, रूट अंडर ln 2 प्लस रूट अंडर, या भी हम आप लोग को गलत अप्रोच बता रहे हैं, फिर लास्ट में सही अप्रोच बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सही बताने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। देखिए, x को रिप्लेस इतना से करना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, कि x को अगर ये लिमिट है तो a प्लस बी माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं, ये जानते हैं आप। तो यहाँ देखिए, कुछ लग रहा है इसे ln 2 प्लस ln 3 रहता है, तब ना ये ln 6 बनता है, लेकिन यहाँ तो l रूट अंडर है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये इस तरह का कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पर करते क्या है, देखिए आप जैसे ही x को रिप्लेस कीजिएगा तो x स्क्वायर इतना बड़ा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो बहुत लफड़ा में फंस जाएंगे अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिए। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, इसी कारण फंस जाता है लड़का लोग, एक्स स्क्वायर का है। अब देखिए, अगर एक्स स्क्वायर को कुछ टी मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पर और यहाँ पर। कैसे, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और डी एक्स हो जाएगा, और इसका डी टी, इतना सा तो पता होगा आपको, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय टू। देखिए एक्स डी एक्स मिल गया डी टी बाय टू, मतलब इस दोनों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम डी टी बाय टू लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है वह टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन बोला जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा साइन टी, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी इंटू। अब देखिए ये सब, अब x dx का वैल्यू क्या रखेंगे, dt टी बाई टू यहाँ से रखेंगे, dt टी बाई टू, तो dt टी यहाँ रहने देते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, dt टी बाई टू हाफ से आगे मल्टीप्लाई कर। अब लिमिट का बात करते हैं, तो लिमिट पहले x के अकॉर्डिंग था, रूट अंडर ln 2 रूट अंडर ln 3, अब यहाँ किसके अनुसार आएगा, t के अनुसार आएगा लिमिट, क्योंकि t वेरिएबल आ गया मेरा, तो t के अनुसार कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले तो यहाँ x का वैल्यू क्या करना है, रूट अंडर ln 2 पुट करना है, तो रूट अंडर ln 2 कीजिए, x का लिमिट शुरू में क्या जा रहा है, ये लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पुट कीजिएगा, तो t का लिमिट क्या जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ln 2 हो जाएगा। उसी तरह x का लिमिट क्या जाया था, रूट अंडर ln 3, तो रूट अंडर ln 3 यहाँ पर, क्योंकि x स्क्वायर बराबर t माने हैं, तो t का लिमिट क्या जाएगा, ln 3। अब देखिए, अब ये वाला फॉर्मूला जो बोले थे आपको, यहाँ पर ये लग सकता है। मतलब अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, ln 6, तो यानी आप x को रिप्लेस कर सकते हैं ln 6 माइनस x से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम t मान लिए है ना, तो t को रिप्लेस करना होगा ln 6, क्योंकि इस दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है, ln 6, तो सम जो होता है ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्लियर है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन कीजिए आप। तो सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं, i, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन पे, तो ये क्या आ जाएगा ln 2, ये ln 3, और यहाँ पर t के जगह रिप्लेस क्या आ जाएगा, t के जगह रिप्लेस होगा ln 6 माइनस t, तो ये हो जाएगा ln 6 माइनस t। अब जल्दी जल्दी धराधर लिखते हैं ln 6 माइनस t, और ये देखिए ln 6 माइनस t यहाँ पर है ही, तो जानते ही ln 6 माइनस t, t के जगह अगर ln 6 माइनस t कीजिएगा तो ln 6 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सीधा सीधे t के जगह आप ln 6 माइनस t पुट कर सकते हैं, या ln 6
टी है दिख रहा है तो इसके जगह क्या पुट होगा, टी होगा, तो यहाँ पर साइन टी हो जाएगा, यहाँ डी टी रहेगा। अब जरा इस दोनों एक्सप्रेशन को जोड़िए, अब ये इतना सा समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अगर हम ये चेंज करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर अगर इसको आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/2। और ज़रा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अभी लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट तो आपको पता है ln 2 से 3 आएगा। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए नीचे वाला दोनों का सेम है, ये इधर है और ये इधर है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमिनेटर का डायरेक्ट सम हो जाएगा, ये आपस में एक, ये जब लिखाएगा तो ये एक बड़ा सा टर्म लिखाएगा, ये एक बड़ा टर्म लिखाएगा और यहाँ dt लिखाएगा। तो जब आपस में जुटेगा तो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सेम इन दोनों का डिनोमिनेटर। जब ऊपर वाला जुटेगा तो सेम चीज़ हो जाएगा, तो जब आपस में जुटेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, देख दिख रहा होगा आपको। इस दोनों को जोड़िए सीधा सीधे, दोनों को जोड़िएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर ऊपर भी इतना आ रहा है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम क्या करें, आई का वैल्यू निकालें, 2 को इधर भेजना होगा तो 1/4, और टी का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में टी होगा, और यहाँ से लिमिट क्या आएगा, ln 2 ln 3। तो यहाँ फाइनल बात करें तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 ln 3 क्या जाएगा, ln 3 माइनस ln 2, तो ln 3/2, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि जब हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाला अगर दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, पहला दिमाग चलेगा ये वाला प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो इसी प्रॉपर्टी से डिफिनिट इंटीग्रेशन ज़्यादा बनता है, तो ये प्रॉपर्टी चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये रिप्लेस करने के बाद स्क्वायर वाला टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करने का दिमाग में ऑलवेज सोचिए। ऑलवेज जब बड़ा इंटीग्रेशन दिया रहे इस तरह का, तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा तो आपका मेथड आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो उसके कारण आसान हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर हम आसानी से प्रॉपर्टी लगा दिए पहले वाला। आई होप आपको क्लियर होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।